तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, तो किस तरीके से आप अपने जो भी पेन ड्राइव है वो विंडो की पेन ड्राइव यानी कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना पाओगे, इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बताऊंगा, तो ध्यान से आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो यहाँ पर हमें विंडो पेन ड्राइव, जो भी हमारी पेन ड्राइव है उसको विंडो की पेन ड्राइव बनाने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए, पेन ड्राइव के साथ साथ एक विंडो, जो भी आपने डाउनलोड विंडो 7 विंडो 8 जो भी आपने विंडो डाउनलोड करी हो कर रखी हो वो आपके पास विंडो होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी 2-3 वीडियो का लिंक दे रखा है जो कि विंडो 7 विंडो 8 विंडो 10 डाउनलोड करना सिखाते हैं, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन से जाके वो वीडियो देख कर अपना विंडो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं आपको क्या क्या चाहिए, पेन ड्राइव चाहिए और दूसरा नंबर पर चाहिए आपको विंडो, और विंडो के बाद चाहिए एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पावर ISO। तो इन तीन चीज़ों का काम होगा। अब करना क्या है, आपको सिंपली लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ कि इस तरीके से आपको बूटेबल अपनी पेन ड्राइव बनानी है। जैसे कि मैं अब आपको लेके आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, सबसे पहले करना क्या है आपको पेन ड्राइव यहाँ पर लगा देनी है CPU में और यहाँ पर सिंपली इसको फॉर्मेट कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक किया, आपको यहाँ पर देखिएगा पेन ड्राइव लगाने के बाद CPU के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर, तो आपको NTFS नाम से क्लीन कर लेना है। जैसे कि पेन ड्राइव लगा के आपको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपको करना क्या है, आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। मैंने सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पावर ISO नाम का जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद आपको सिंपली टूल पर जाना होगा। टूल पर जाने के बाद यहाँ पर क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव यहाँ पर होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से ओके कर देना है। बाय द वे, अगर पूरी जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक दे रखा है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ से कंटिन्यू फिर कर देना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको वहीं विंडो सिलेक्ट कर लेनी है जो कि आपको पेन ड्राइव के अंदर डालनी है। तो यहाँ पर मैं विंडो सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई, जैसे कि मेरे इस टाइम तो मेरे पास नहीं है बाय द वे विंडो डाउनलोड। तो इसी तरीके से प्रोसेस करना है, जैसे कि मैंने ये विंडो फाइल मान ली आपको इमेज, तो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी पेन ड्राइव सिलेक्ट होगी। आपको कुछ भी नहीं करना, आपकी पेन ड्राइव यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगी। उसके बाद सिंपली करना क्या होगा, आपको यहाँ पर स्टार्ट वाला दिख रहा ऑप्शन, स्टार्ट वाले जैसे ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 20 से 25 मिनट में आपके विंडो की पेन ड्राइव बनके तैयार हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप विंडो की पेन ड्राइव बना पाओगे। जी हाँ जी दोस्तों, बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मेरे ख्याल से आपकी प्रॉपर तरीके से विंडो की पेन ड्राइव बन चुकी होगी। तो अगर बन गई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड या भी किसी भी रिलेटेड से प्रॉब्लम है या फिर आप टिकटॉक से रिलेटेड है तो अब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाद में मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।